नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद शर्मा। वेलकम टू फार्मा क्यूरीज। पिछले वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है हमने। और उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कुछ छोटा सा थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, और कितने कितने चैम्बर्स होते हैं, और दोहरा परिसंचरण या फिर डबल सर्कुलेशन किसको कहते हैं उसके बारे में हमने देखा था। डबल सर्कुलेशन में हमने क्या देखा था कि ये जो हमारा हार्ट है, ये लंग है, लंग से ये, और ये है बॉडी। तो जो ये बॉडी है, ये लंग्स से हमारा जो ब्लड होता है वो आता है यहाँ पर, यहाँ से आता है यहाँ, यहाँ से जाता है बॉडी, बॉडी से जाता है फिर से यहाँ, यहाँ से इधर, और इधर से लंग्स में। ये क्या क्या है ये मैंने बनाया चैम्बर्स चार, इनके क्या क्या नाम है आपको याद होगा कि बता दूं मैं फिर से। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन लंग्स और हार्ट के बीच में अलग तरीके से एक सर्कल बना हुआ है, और बॉडी और हार्ट के बीच में एक अलग सर्कल बना हुआ है। जो लंग और हार्ट के बीच में सर्कल होता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम। और जो हार्ट और बॉडी के बीच में जो एक सर्कल बना हुआ है उस सर्कल को बोलते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हार्ट और बॉडी के बीच में है सिस्टमिक सर्कुलेशन, और जो लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कल है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी थी इसके अंदर, बॉडी में कितने चैम्बर होते हैं उसके बारे में। तो चैम्बर के बारे में अब मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि चार चैम्बर होते हैं, लेकिन चार चैम्बर के अंदर भी सबकी साइज एक जैसी नहीं होती है। एक चैम्बर बड़ा होता है, एक थोड़ा छोटा होता है, उससे छोटा होता है, और उससे एक छोटा सबसे ज़्यादा छोटा होता है। तो साइज का एक जो हमारे पास में सीक्वेंस है वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो मैं उसके बारे में एक बार बता देता हूँ आपको। जो हमारा जो ये LV है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो साइज में सबसे ज्यादा बड़ा होता है, और उससे थोड़ा छोटा होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, और उससे थोड़ा छोटा होता है राइट एट्रियम, और सबसे ज्यादा छोटा होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम। तो इस तरीके से हमारा ये इसका सीक्वेंस होता है, साइज का सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं। ये चैम्बर्स जो हार्ट के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं चारों, उसकी जो साइज का सीक्वेंस है इस तरीके से होता है LV RV RA LA। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, लव रव रा ला, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी याद करना चाहो तो जो ये हमारा जो वेंट्रिकल है, इसका जो चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, उसका वो चैम्बर सबसे बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है इसका एक आप थोड़ा सा लॉजिकली भी सोच सकते हो, क्योंकि इस चैम्बर को पूरे बॉडी में सप्लाई करनी होती है ब्लड की, इस वजह से इसको ज़्यादा प्रेशर को झेलना पड़ता है, उस प्रेशर को ज़्यादा फोर्स प्रेशर देना पड़ता है। उसकी वजह से इसकी वॉल जो होती है सबसे मोटी भी होती है, और ये साइज में भी बड़ा होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमारा फर्स्ट टॉपिक है वाल्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट की तो मैंने एक थोड़ा सा एक इसका ट्रांसवर सेक्शन मैंने बताया है थोड़ा सा इसमें। तो जो आउटर जो हमारे ये लेयर दिख रही है सबसे पहले, वो हमारी होती है पेराइटल पेरिकार्डियम। फिर जो इनर लेयर है ये वाली, इसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। और जो ये इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूड होता है, जो ये इन दोनों लेयर है ना, इन दोनों लेयर्स के बीच में ये ग्रीन कलर का फ्लूड दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर का नहीं होता, मैंने ऐसा बनाया सिर्फ देखने के लिए। तो इस फ्लूड को बोलते हैं हम पेरिकार्डियल फ्लूड, ठीक है। ये पेरिकार्डियल फ्लूड का क्या काम है, ये एक तरीके से लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, और जो भी बाहर के शॉक्स होते हैं उनको, उन शॉक से अंदर का जो हार्ट है उसके ऊपर इफेक्ट होने से उसको रोकता है, ठीक है। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है, और एक तरीके से लुब्रिकेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। अब इस जो ये जो विसरल पेरिकार्डियम है, इसके अंदर का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट जो उसकी लेयर बोलते हैं एपिकार्डियम।
फिर सेकंड आती है मायोकार्डियम, और जो थर्ड आती है वो आती है सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं हम एंडोकार्डियम। तो हार्ट के अंदर सबसे जो थिकनेस में सबसे जो बड़ी जो हम सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं उसको मायोकार्डियम जो है, वो हार्ट के वाल की जो थिकनेस है ना वो मायोकार्डियम के ऊपर डिपेंड करती है। और एंडोकार्डियम जो है, ये एंडोकार्डियम जैसा कि मैं बता दूँ आपको कि पूरा जो हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसकी जो ओरिजिन होती है ना वो हमारी होती है मेसोडर्म से। मेसोडर्म मेसोडर्म से, लेकिन जो हमारा जो एंडोकार्डियम है और जो हमारी ब्लड वेसल्स की जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है, जो ये ब्लड वेसल आर्टरी हो गई या वेन हो गई उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल लेयर। तो उसकी उसकी ओरिजिन भी किस उसकी ओरिजिन और एंडोकार्डियम की ओरिजिन होती है एंडोडर्म से। तो आप सोच रहे हो कि एंडोडर्म और मेसोडर्म और एक्टोडर्म ये सब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी एम्ब्रियो स्टेज जो होती है ना हमारी, जो भी एम्ब्रियो स्टेज होती है जिस टाइम भ्रूण होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, इस जगह पर बता देता हूँ, जो हमारे भ्रूण की जो स्टेज होती है, एम्ब्रियो की स्टेज जो होती है, उस टाइम पे हमारी कोई सारे जो बॉडी पार्ट्स है वो बने हुए नहीं होते। उस टाइम पे सिर्फ तीन तरह की सेल के बीच में हम डिवाइड होते हैं, वो होती है एक्टोडर्म जो सबसे बाहर होती है, फिर आती है मेसोडर्म, और फिर सबसे इनर मोस्ट जो होती है वो होती है एंडोडर्म। तो मैंने जैसा कि बताया पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो ओरिजिन होती है वो मेसोडर्म से होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ एंडोडर्म एंडोकार्डियम एंडोकार्डियम जो इनर मोस्ट लेयर है हमारे हार्ट की वो एंडोकार्डियम, और जो हमारी ये वेसल्स जो होती है आर्टरी और वेन्स की जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसकी ओरिजिन जो होती है वो होती है एंडोडर्म से, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा वाल्स के बारे में। तो अगला हम टॉपिक देखेंगे इम्पल्स कंडक्शन इन हार्ट, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपका एक छोटा सा एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है इम्पल्स कंडक्शन इन हार्ट, उसकी बात कर रहे थे। तो हम सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं और जो कॉर्डेट्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जिनको अकशेरुक कहते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि न्यूरोजेनिक जो कंडक्शन होता है, ठीक है। न्यूरोजेनिक कंडक्शन का मतलब है ब्रेन से सीधे आपके मैसेज आता है कंडक्शन का हार्ट को, और हार्ट उस पंप करता है फिर, ठीक है। लेकिन जो कॉर्डेट्स होते हैं हमारे, जो पीसीज एम्फीबियन रेप्टाइल्स एवीज और एनिमल्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर मायोजेनिक जो इम्पल्स जनरेशन होता है। मायोजेनिक का मतलब होता है कि जो हमारी जो हार्ट की जो वाल जो है ना, हार्ट के अंदर जो हमारी जो हार्ट की वाल जो है ना, वहीं से हमारा जो है इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है। वहीं से इम्पल्स जनरेट होता है, ब्रेन से आता है वो बात अलग है, ब्रेन से तो आता ही है वो बात अलग है, लेकिन यहाँ से खुद का इसका एक इम्पल्स जनरेट करने की इसके पास में एक पावर होती है, ठीक है। यहाँ खुद ही इम्पल्स जनरेट करता है और पूरे में सप्लाई कर देता है, ठीक है। जबकि जो हमारे नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, तो उनके अंदर तो जैसे ही उनका हार्ट बाहर निकला, ब्रेन से जैसे कनेक्शन टूटा, हार्ट बंद। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है कि हमारा जो कनेक्शन है सीधा ब्रेन से तो होता ही है, लेकिन खुद का जो इसका इम्पल्स जनरेट करने की जो कैपेसिटी है उसकी वजह से क्या होता है कि हम अगर अपने हार्ट को, जो ह्यूमंस का हार्ट है उसको कुछ देर के लिए बाहर निकाल के रख भी दें तो भी वो कुछ टाइम के लिए वो पंप करता रहेगा, काम करता रहेगा। या फिर किसी की ब्रेन की जो है ब्रेन की जो सेल्स है उसको रोक दिया जाए या बंद कर दिया जाए तो भी उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक के लिए वो यह पंप करता रहेगा, ठीक है। एक यहाँ पर एक नोड बना होता है, नोड बोले तो एक मसल्स का एक मतलब सेल्स का एक समूह है यहाँ पर, वो जो है नोड उसको हम ऐसे नोड बोलते हैं, साइनस एट्रिकुलर नोड, जो कि इम्पल्स जनरेट करता है हार्ट के अंदर, और इसको वो इम्पल्स जनरेट करता है इसलिए उसको पेस मेकर कहते हैं। हार्ट का पेस मेकर कौन है, ऐसे नोड है, साइनस एट्रिकुलर नोड, ठीक है। ये जो है पेस मेकर ऑफ हार्ट है, ये जब जनरेट करता है हमारे इम्पल्स को, ये इम्पल्स जाते हैं, देखिए ब्लैक वाली लाइन जो दिख रही ना, ये इम्पल्स है, ये इम्पल्स जा रहे हैं हमारे कहाँ पर, एवी नोड की तरफ।
एवी नोड जो होता है हमारा, ये सेप्टम जो होता है ना, सेप्टम, इसको जो ये वाल के जो दोनों जो हमारे आलिंद और निलय, जो कि मतलब कि एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में जो एक ये जो पर्दा होता है ना, उसको हम बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, तो ये जो एवी नोड जो है ना, एट्रिकुलो वेंट्रिकुल एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, इसको हम पेस सेटर सेटल भी बोलते हैं, पेस सेटर। ये क्या करता है, ये इम्पल्स जो आते हैं ना ऐसे नोड से, उसका रेगुलेशन करता है, कितने इम्पल्स को आगे जाने देना है, वो सब किसके हाथ में, वो एवी नोड के हाथ में। लेकिन पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन है, ऐसे नोड है। यहाँ से फिर जो इम्पल्स है वो जाते हैं इस तरीके से, इस ये जो जा रहे हैं ना ये, इनको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ठीक है, और एवी नोड से फिर ये यहाँ जाते हैं, आगे जाकर के ये पुर्किंजे फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। पुर्किंजे फाइबर जो है सेल वॉल, जो हमारी जो हार्ट की जो वॉल है ना, उसके अंदर फैल जाते हैं इस तरीके से, और सब जगह इम्पल्स को सप्लाई, इम्पल्स सप्लाई हो जाती है सब तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से इम्पल्स का कंडक्शन होता है हार्ट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ऐसे नोड, फिर जाता है एवी नोड, फिर जाता है हमारे बंडल ऑफ हिस, और फिर जाता है पुर्किंजे फाइबर। ठीक है, ये होता है सीक्वेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियक साइकिल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है कि पूरा एक जो साइकिल चल रहा है, जैसे कि यहाँ से पंप हुआ ब्लड, फिर यहाँ आया, यहाँ से पंप होके बॉडी में गया, बॉडी से पंप होके वापस आरए में आया, आरए से पंप होके वापस आरवी में गया, यहाँ से पंप होकर के लंग्स में गया, ये सारा पूरा जो साइकिल है, ये पूरा साइकिल होने में, एक साइकिल होने में कितना टाइम लग रहा है, वो हमारा कार्डियक साइकिल हो गया। ठीक है, तो हम ये सब, तो ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो 72 बीट्स पर मिनट स्पीड से काम करता है, कि मतलब एक मिनट में हमारे 72 बार धड़कता है, एक मिनट में हमारा जो दिल है वो 72 बार धड़कता है, ये तो हमको सबको मालूम है। तो इसी से हम कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कार्डियक साइकिल कितने टाइम का होता है, देखिए, जैसे कि कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, और हमारा हार्ट है वो एक मिनट में 72 बीट्स कंप्लीट करता है ना, तो यहाँ पर 72 बीट्स कर लेते हैं हम, तो मतलब कि एक बीट, मतलब एक धड़कन को पूरा होने में हमको कितना टाइम लग रहा है, वो हमारा क्या हो गया, कार्डियक साइकिल हो गया। ठीक है, तो एक बीट को कंप्लीट होने के, जो भी चीज़ हम कभी भी डिवाइडेशन में नीचे आ जाता है ना, डिवाइडेशन के नीचे आ जाता है ना, तो मतलब उसको एकांक बोल देते हैं, यूनिट। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ नीचे आ गया, तो एक बीट को पूरा होने में कितना टाइम लग रहा है, अब 72 बीट्स को पूरा होने में तो 60 सेकंड्स लगते हैं। ठीक है, 60 सेकंड मतलब एक मिनट लगता है। अब हम ये बता रहे हैं कि एक बीट को होने में कितना टाइम लगेगा, तो 60/72 करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में सीधा सीधा सा 0.8 सेकंड। तो हम 0.8 सेकंड में हमारा हार्ट एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक है, इस 0.8 सेकंड के अंदर हमारा एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये सारी चीज़ें इस 0.8 सेकंड के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं अब कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ थोड़ा सा वापस से। सिस्टोल क्या होता है कि जब हमारा जो एट्रियम है या फिर वेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकल है, वो जब संकुचन करता है, या मतलब उसको कहते हैं कि वो कंप्रेस होता है, पंप करता है, तो उसको बोलते हैं हम सिस्टोल। और जिस जब हमारा जो वेंट्रिकल है या एट्रियम है वो जब रेस्ट स्टेट में होता है, जब वो सिस्टोल नहीं कर रहा होता, रेस्ट स्टेट में होता है, अपने अंदर फ्लूड भरने देता है, तो उसको बोलते हैं हम डायस्टोल। जैसे कि यहाँ पर ब्लड आया, ब्लड आके यहाँ भरने लगता है, ठीक है, इसमें भरने लगता है, तो उस वो रेस्टिंग स्टेट है इसकी, उस टाइम पे इसमें ब्लड भर रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं एट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ से पंप करता है, तो उसको हम बोलते हैं एट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मतलब
कंप्रेस करना, ये बाद में ये वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल भी जिस टाइम ये ब्लड आना शुरू होता है उस टाइम तो डायस्टोल स्टेज में ही होता है, रेस्टिंग स्टेज में होता है, तब तो इसमें ब्लड भरने लगता है। और जैसे ये वापस से सिस्टोल करता है, मतलब कि ये भी संकुचन करता है, तो उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो अब ये चारों की अलग अलग बात होगी, लेफ्ट एट्रियम की होगी तब लेफ्ट एट्रियम की, और राइट एट्रियम की बात होगी राइट एट्रियम की। ठीक है, तो ये सिस्टोल डायस्टोल का हमको तो मेन तो सिस्टोल और डायस्टोल को समझना था, तो वो हमने इससे समझ लिया। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं आगे, ये हमारे पास में 0.8 सेकंड्स की हमारे पास एक साइकिल पड़ी हुई है। इसके अंदर जो इनर वाली साइकिल जो है हमारे पास में, वो हमारी इनर साइकिल है, वेंट्रिकल को बता रही है। और जो आउटर साइकिल है, जैसे कि जो इनर वाला जो साइकिल है ना, ये वाली ये साइकिल हमारी बता रही है वेंट्रिकल के सिस्टोल हो रहे हैं या डायस्टोल हो रहे हैं। और जो आउटर साइकिल है वो बता रही है एट्रियम के सिस्टोल और डायस्टोल को बता रही है। जो सिस्टोल को हमने वो जो ब्लू कलर का हमने जो इस तरीके से लाइनिंग है उस तरीके से दिखाया है इसमें, और जो हमारा ब्लैंक छूटा हुआ है वो हमारा डायस्टोल स्टेज है। जो अंदर इस सर्कल के अंदर है वो हमारी बात हो रही है किसके बारे में, वेंट्रिकल्स के बारे में। जो आउटर वाली बात हो रही सर्कल की बात, वो हमारे हो रही है एट्रियम की बात। तो एट्रियम के अंदर आप देख रहे हो लाइन यहाँ पर दिख रही है ब्लू वाली। ठीक है, तो एट्रियम के अंदर सिस्टोल कहाँ हो रहा है, यहाँ सिस्टोल हो रहा है एट्रियम के अंदर। और वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल कहाँ हो रहा है, सिस्टोल यहाँ हो रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब सिस्टोल के टाइम क्या होता था, वो संकुचन कर रहा था। ठीक है, तो ये जो एट्रियम के अंदर यहाँ पर सिस्टोल हुआ है, ठीक है, ये 0.1 सेकंड में हो चुका है। ये जो सेक्शंस बने हुए हैं ना, ये एक सेक्शन, ये पूरा एक 0.1 सेकंड का एक सेक्शन है। ऐसे ही हमारे पास में 8 सेक्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेक्शन है। 8 सेक्शन मतलब 0.1 सेकंड के 8 सेक्शन, मतलब टोटल हमारे पास में ये 0.8 सेकंड का एक साइकिल है पूरा। ठीक है, तो अब 0.1 सेकंड के अंदर हमारे पास में क्या हो गया, एक हमारा ये यहाँ पर एट्रियम में सिस्टोल हुआ है। एट्रियम में हुआ क्यों, क्योंकि बाहर वाला ये ब्लू वाला, ये बाहर वाला सर्कल है, मतलब एट्रियम के अंदर सिस्टोल हुआ। फिर हम आगे जाते हैं, तो यहाँ पर तो देखो बाहर, पहले हम बाहर वाला साइकिल देख लेते हैं एट्रियम वाला। ठीक है, तो एट्रियम में सिस्टोल होने में तो सिर्फ 0.1 सेकंड ही लगा था हमको। फिर यहाँ हमने देखा तो एट्रियम में सिस्टोल चल, डायस्टोल चल रहा है, यहाँ पे भी डायस्टोल चल रहा है, यहाँ डायस्टोल चल रहा है, यहाँ डायस्टोल, 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 डायस्टोल। तो मतलब कि सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए ही यहाँ पर एट्रियम में सिस्टोल हुआ था, और वो ये दिखा रखा हमने। अब इनर वाली साइकिल की बात कर रहे हैं, इनर वाली साइकिल मतलब वेंट्रिकल्स की बात करें, तो वेंट्रिकल के अंदर जैसे ही यहाँ पर ये एट्रियम में डायस्टोल चालू होता है, वहाँ यहाँ जो वेंट्रिकल होते हैं इनके अंदर सिस्टोल चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट जो ये 0.1 सेकंड होता है वो जैसे ही निकला, फिर सेकंड जो 0.1 सेकंड आया, ये भी एक 0.1 सेकंड ही है। तो इस ये जैसे ही स्टार्ट होता है 1, 2, 3 0.3 सेकंड तक हमारा ये वापस यहाँ पर सिस्टोल चलता है, वेंट्रिकल्स में सिस्टोल चलता है। और वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल होते हैं तो ये जैसे कि ये वाला भी एक 0.1 सेकंड है, ये भी 0.1 सेकंड है, और ये भी 0.1 सेकंड है। तो ये तीनों को जोड़ लोगे आप तो ये तीनों कितना हो रहा है, 0.3 सेकंड। ठीक है, तो उसके बाद में हम यहाँ देखें तो यहाँ पर डायस्टोल आ गया, डायस्टोल, डायस्टोल, वेंट्रिकल में भी डायस्टोल आ गया। तो हम इससे हम ये हमने साइकिल ये देखा पूरा, इससे हमको एक पता लग गया कि अब ये देखो ये सब एक एक सेकंड 0.1 सेकंड के ये सब ये जो बने हुए हैं ना। तो सबसे पहले हमने देखा था एट्रियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकंड का होता है, फिर उसके बाद में हमने देखा क्या, हमने देखा एट्रिकुलर डायस्टोल जो कि 0.7 सेकंड का होता है। उसके बाद में हमने देखा, देखो ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब 0.7 सेकंड। उसके बाद में हमने देखा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड का। ठीक है, कौन सा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये रहा 1, 2, 3 जो ये ब्लू ब्लू लाइन है वो सिस्टोल है, 1, 0.1, 0.1, 0.1 मतलब 0.3, तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। फिर उसके बाद में हम देखा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वो होता है हमारा 0.5 सेकंड के लिए। ठीक है, आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हो, 1735 ठीक है, 1735 से याद कर सकते हो
तो 1735 एट्रिकुलर सिस्टोल जो है हमारा 0.1 सेकंड के लिए, एट्रिकुलर डायस्टोल जो है 0.7 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है 0.3 सेकंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है ये 0.5 सेकंड के लिए। तो इससे हमने आपका ये जो ये जो हमको एक कार्डियक साइकिल के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है तो वो आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, और अगर नहीं हुआ अभी भी तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम बता देते हैं आपको, स्टेट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। स्टेट्स ऑफ कार्डियक साइकिल के अंदर क्या होता है देखिए, जो हमारे जो एट्रियम है ये ऊपर वाले क्या हो गए, एट्रियम हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले एट्रियम जो है रेस्ट स्टेट में होते हैं। रेस्ट स्टेट में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो यहाँ लंग्स की तरफ से घूम करके यहाँ आ रहा होता है, और जो बॉडी के अंदर से होता है वो भी इस वाले एट्रियम में आ रहा होता है, ठीक है। ये दोनों एट्रियम उस समय पे रेस्टिंग स्टेट में होते हैं और ब्लड यहाँ पर भर रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से ब्लड भरता होता है, ठीक है। ये ब्लड भरा वो हमारा एट्रियल डायस्टोल स्टेज होती है, और ये 0.1 सेकंड के लिए होती है, ठीक है। इस समय पे हमारा ब्लड यहाँ पर भर रहा होता है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में। अब जब ये ब्लड यहाँ पर भर रहा होता है और एट्रियम जो होते हैं रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, उस रेस्टिंग स्टेट के चलते हुए ही क्या होता है, यहाँ के जो वाल्व होते हैं ना दोनों, ये जो वाल्व है ये मिट्रल वाल्व था और ये वाला वाल्व जो था ट्राइकस्पिड वाल्व था, ये दोनों वाल्व खुल जाते हैं, ये दोनों वाल्व खुल जाते हैं, और जो हमारा ब्लड जो यहाँ एट्रियम में आ रहा था वो एट्रियम से इन वेंट्रिकल्स में आने लगता है, वेंट्रिकल्स में आने लगता है। और ध्यान दीजिएगा, इस समय पे एट्रियम क्या है, एट्रियम रिलैक्स स्टेज पे है, मतलब कि डायस्टोल स्टेज में है। डायस्टोल, एट्रियम डायस्टोल स्टेज की बात हो रही है। इस समय डायस्टोल की स्टेज के अंदर ही हमारे जो है कपार्ट जो कि वॉल्व होते हैं, दोनों तरफ के वॉल्व खुल चुके हैं और वेंट्रिकल में ब्लड आना शुरू हो चुका है। 75% तक जो ब्लड इसमें आया था ना ऊपर, उसमें से 75% तक का ब्लड जब इसमें भर जाता है वेंट्रिकल्स में, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है ये वाली स्टेज। कौन सी स्टेज? एट्रिकुलर सिस्टोल की स्टेज। एट्रिकुलर सिस्टोल की स्टेज आती है। अब एट्रिकुलर डायस्टोल था, वहां से अंदर ब्लड आ रहा था, रिलैक्स स्टेज में था और वाल्व भी खोल देते, डायस्टोल की स्टेज में था और वाल्व तो भी खोल दिए थे प्रेशर की वजह से, और वाल्व खुले और वेंट्रिकल्स में ब्लड भरने लगा। कब तक भरा? जब तक कि 75% तक ब्लड इसमें नहीं आ गया। और जैसे ही 75% तक ब्लड इसके अंदर आ गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एकदम से एट्रियल सिस्टोल होता है। एट्रियल सिस्टोल का मतलब है कि एट्रियम जो होते हैं वो संकुचन करते हैं, एकदम से कंप्रेस होते हैं, और वो जो जैसे ही संकुचन करते हैं और संकुचन करने के जैसे जो बचा हुआ 25% जो उनके पास में होता है वो भी एकदम फोर्सफुली कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है, फोर्सफुली वेंट्रिकल्स के अंदर ये आ गया, ये 25% बचा हुआ था जो था वो भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब एट्रियम तो खाली हो गए और वेंट्रिकल जो थे वो भर गए। जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर पूरे भर जाते हैं और प्रेशर बिल्ड हो जाता है, तो जो ये हमारे जो वॉल्व थे ना दोनों, कौन से, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, मतलब कि मिट्रल वॉल्व, ये दोनों वॉल्व भी प्रेशर की वजह से, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर की वजह से अपने आप बंद हो जाते हैं। कैसे? जैसे ही इनके अंदर प्रेशर आया, तो जैसे ही अंदर प्रेशर होगा, अंदर की तरफ प्रेशर की वजह से ये वॉल्व अपने आप वापस से बंद हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये बंद हुए, उसके बाद क्या होगा, बंद होने की वजह से, इन वॉल्व्स के बंद होने की वजह से, किन वॉल्व्स की, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने की वजह से एक साउंड निकलती है। उस साउंड को बोलते हैं हम S1 साउंड, और उसकी आवाज होती है लब, LUBB, लब, ठीक है। उस साउंड को S1 साउंड कहते हैं, और वो लब साउंड होती है। कब होती है लब साउंड? जब ये प्रेशर की वजह से यहाँ आ गया, और अब ये क्या हो रहा था कि वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर हो गया, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ है, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, उसकी वजह से ये क्या हो गए थे, वॉल्व बंद हो गए, वेंट्रिकल सिस्टोल की वजह से वॉल्व बंद हो गए, और उसकी वजह से कौन सी साउंड आई, S1 साउंड आई, ठीक है। वेंट्रिकल के किसकी वजह से, वेंट्रिकल सिस्टोल की वजह से वॉल्व बंद हुए, कौन से वाले, बाइकस्पिड, ये वाला बाइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड, दोनों वॉल्व बंद हुए और उसकी वजह से साउंड आई S1। अब इनके अंदर जैसे ही सिस्टोल चालू हुआ, सिस्टोल की वजह से फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे एओर्टा में, और ये हमारी पल्मोनरी
आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, इधर ये ऑर्टा में जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से ये ब्लड इनमें जाने लगता है तो यहाँ क्या आ जाता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल आ जाता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल की वजह से क्या होता है, जैसे ही ब्लड यहाँ जाता है तो यहाँ पर एक और वॉल था, आपने आपको बताया था मैंने, यहाँ पर वॉल होते हैं सेमी लूनर वॉल। तो ये जैसे ही ये वेंट्रिकल खाली होता है और ब्लड किसके अंदर आता है, इधर पल्मोनरी आर्टरी और इधर ऑर्टा में आता है, तो सेमी लूनर वॉल बंद हो जाते हैं। और वो जब बंद होते हैं तब साउंड सेकंड सुनाई देती है, उसको हम बोलते हैं डब, DUB डब। तो S1 जो साउंड थी वो कौन सी होगी, लब। S2 जो साउंड होगी वो होगी डब, ठीक है। तो ये हमारी स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल थी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है साउंड्स ऑफ हार्ट है, वो हमने इसमें समझ लिया थोड़ा थोड़ा, तो कि S1 साउंड क्या होती है, लब होती है, वो कब आती है, इसके अंदर आती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम आती है, और जो S2 होती है हमारी डब साउंड होती है, वो हमारी आती है वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा और हम देखेंगे, एक मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो है साउंड्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट के अंदर कितने टाइप के साउंड्स आते हैं, मेनली हम दो साउंड्स की बात करते हैं, S1 और S2। S1 साउंड जो होता है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर हमको सुनाई देता है, और वो साउंड होता है लब। उसकी जो साउंड की जो आवाज़ होती है वो किस, मतलब वो किस टाइप की आवाज़ होती है, वो लब टाइप की, और वो लो पिच साउंड होता है और देर तक सुनाई देता है, ठीक है। और ये जो है कौन से वॉल्व बंद होने की वजह से सुनाई देता है, तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ये दो वॉल्व जब बंद होते हैं ना तो हमको कौन सा साउंड सुनाई देता है, S1 साउंड, लब साउंड सुनाई देता है और देर तक सुनाई देता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा S2 साउंड। S2 साउंड जो है वो कब सुनाई देगा हमको, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे, जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट होगा ये हमको डब साउंड सुनाई देगा। और इसकी कैसी पिच होती है, हाई पिच होती है, और ये कम समय के लिए सुनाई देता है। कौन से वॉल्व के बंद होने की वजह से सुनाई देता है, तो ये सेमी लूनर वॉल्व के बंद होने से सुनाई देता है, ठीक है। ये जो S1 था वो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, जो S2 है सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व कहां पर था, तो ये देखो आप वापस से देख लो एक बार, ये तो ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड, और जो यहां पर था अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी और ये वेंट्रिकल, और ये वेंट्रिकल और ये अरोटा के बीच में जो ये वाल है, ये दोनों को हम सेमी लूनर वॉल ही कहते हैं। इसको भी सेमी लूनर ही कहते हैं, इसको भी सेमी लूनर, और ये जो इधर वाला है इसको ट्राइकस्पिड, इसको बाइकस्पिड, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट की, ठीक है। रेगुलेशन कैसे होता है हार्ट बीट का, इसका जो मेन सेंटर होता है वो मेडुला ओब्लॉन्गेटा, ब्रेन का जो पार्ट है उसके अंदर होता है, और इसका जो इसके अंदर दो सेंटर्स होते हैं, एक तो एक्साइटेटरी इंपल्स जनरेट करने वाला और एक इनहिबिटरी इंपल्स जनरेट करने वाला। तो एक्साइटेटरी जितने भी इंपल्स होते हैं वो सब सिंपैथेटिक सिस्टम के थ्रू जनरेट होते हैं, और जो इनहिबिटरी जो इंपल्स जो होते हैं वो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम की मदद से जनरेट होते हैं, वो उसके थ्रू मतलब के होकर के आते हैं उस पाथवे से, पैरासिम्पैथेटिक पाथवे। अब ये आपको लग रहा होगा सिंपैथेटिक पाथवे क्या है, पैरासिम्पैथेटिक पाथवे क्या है, तो ये हम आने वाले लेक्चर्स में जो कोलोजी के जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम और अच्छे से समझेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। लेकिन यहाँ पर आप सिंपली इतना सा समझ लीजिए कि मेडुला ओब्लॉन्गेटा के अंदर से दो तरह के इंपल्स जनरेट हो सकते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी का मतलब है बढ़ाने वाले, एक्साइट करने वाले, बढ़ाने वाले, तो मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी। और इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है, इनहिबिट करने वाले, तो इनके अंदर क्या होगा मेनली, हार्ट रेट डिक्रीज होगी। तो अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम का हार्ट बीट के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो वो हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनहिबिटरी इंपल्स का हार्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो वो हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे, बस इतना सही तो है। और इसके आगे के टॉपिक्स भी बहुत ही अच्छे हैं, उन टॉपिक्स को हम अगली क्लास में देखेंगे, और होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।